नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे जहाँ पर सारे टॉपिक्स ही कवर हो जाएंगे, जैसे कि आपका करियर कैसा होगा, आपका भाग्य कब साथ देगा, आपके जीवन में धन लाभ कब होगा और आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में। वीडियो के आखिर तक बने रहना है, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखना है। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ, रिप्लाई मिलने में आपको थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारे DMs आते हैं, पर रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। और एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों, कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई कंसल्टेशन के लिए नंबर दे रहा है तो कृपया इन नंबर के चक्रों में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो इनसे बचना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे करियर के बारे में, पर उससे पहले जो बेसिक रेखाएं हमारे हाथ में बनती हैं, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। इसके बाद आती है आपकी माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं। यहां पर आती है आपकी लाइफ लाइन, जिसे जीवन रेखा भी कह देते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका करियर आपको देखना हो तो कैसे देखेंगे। अब यहाँ पर आप एक रेखा देख सकते हैं, हल्की सी रेखा आपकी लाइफ लाइन से निकलती हुई जा रही है मर्करी माउंट पे, जो बनता है आपकी छोटी उंगली के नीचे यहाँ पर, जिसे बुध पर्वत भी कह देते हैं। अब ये जो रेखा है दोस्तों, इस हाथ में मर्करी माउंट तक चली गई है, बट नॉर्मली ये हाथों में आपके सिर्फ माइंड लाइन तक ही जाती हुई नज़र आती है, इसके आगे नहीं बढ़ पाती है। पर इस प्रकार से जिसके हाथ में भी रेखा होती है, तो अगर वो बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं या खुद के दम पे कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उनको जरूर सफलता मिलती है और औरों से जल्दी सफलता मिलती है। मतलब अगर किसी को 1 साल लगता है तो इनके 6 महीने ही लगते हैं, मतलब औरों से आधे समय में ये जल्दी और बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। और इतना ही नहीं, इनके हाथ में जो भाग्य रेखा है, जिसे फेट लाइन कह देते हैं, वो भी शनि पर्वत तक जा रही है। शनि पर्वत जो मिडिल फिंगर के नीचे बनता है यहाँ पर। अब इस प्रकार से भाग्य रेखा जब भी आपके शनि पर्वत तक जाती है, और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर आपके जीवन में बिजनेस का अच्छा खासा योग बनता है कि आप एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। और इनके हाथ में तो दो दो ऐसी रेखाएँ हैं जहाँ पर बिजनेस का एक बड़ा संकेत नज़र आ रहा है। तो अगर आप जॉब करते हैं तो कोई बात नहीं, शुरुआती समय में खर्चा चलाने के लिए कर सकते हैं, बट अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए और जल्दी सफलता चाहिए, तो आपको बिजनेस की ओर जरूर कदम बढ़ाना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। और अब शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा कि यहाँ पर इनके हाथ में मनी ट्रायंगल का साइन बन चुका है। जी हाँ, और इस प्रकार से दोष मुक्त रेखाओं से, मतलब बीच में से टूटी हुई रेखाएं नहीं है, और इस प्रकार से दोष मुक्त रेखाओं से बना हुआ मनी ट्रायंगल का साइन आपके जीवन में बनाता है बड़े धन लाभ का योग। और ये कब बनेगा? 25 साल की उम्र के बाद। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो दो रेखाएं जो बिजनेस को दिखाती हैं और ऊपर से मनी ट्रायंगल का साइन है, तो आप खुद सोचिए कि आपको क्यों नहीं कदम बढ़ाना चाहिए बिजनेस की ओर। तो यहाँ पर आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों, अपने खुद के दम पे आप कार्य कीजिए, सीखिए पहले, उसके बारे में तजुर्बा लीजिए, देन आगे कदम बढ़ाइए, आपको जल्द ही बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। और इसके बाद एक और ख़ास निशान जो इस हाथ में बन रहा है, शायद अभी तक आपने नोटिस नहीं किया होगा। देखिए, जो इनकी हार्ट लाइन है ये वाली, और जो इनकी माइंड लाइन है ये वाली, अब इसके बीच में जो है भाग्य रेखा जा रही है इनके शनि पर्वत तक, जैसे कि आपको अभी बना के दिखाया था ये वाली रेखा। अब इस रेखा के साथ योगदान से बन रही है एक और छोटी सी रेखा, जो बनाती है क्रॉस साइन को। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप जानते हैं इस निशान के पीछे का रहस्य क्या है। हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बनने वाला क्रॉस का साइन आपके जीवन में लाता है बड़े मौके, बड़ी कामयाबी हासिल करने के। और जैसे कि आपको पहले बता रहे थे, मनी ट्रायंगल का साइन 25 साल की उम्र के बाद योग बनाता है बड़े धन लाभ का। और इसी प्रकार से ये निशान भी यहाँ पर दिखा रहा है कि 26 से 29 साल, मतलब जो ये 4 साल हैं, ये आपके करियर में मौके संभालने के साल होते हैं, उम्र होती है। यहाँ पर अगर आपने मौका नहीं चूका तो आपको बड़ी कामयाबी अवश्य मिलेगी दोस्तों। तो
इस प्रकार से दो दो निशान बन जाना एक हाथ में, ये बहुत अच्छा संकेत है, बहुत बढ़िया संकेत है। इसके बाद अगर आपने इनकी लाइफ लाइन पर ध्यान दिया है दोस्तों, जहाँ पर ये एंड हो रही है यहाँ पर दो हिस्से डिवाइड हो रहे हैं और दोनों ही हिस्से नीचे जाके मिल भी रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिश साइन की आकृति बनती नज़र आ रही है। फिश साइन की आकृति क्या दिखाती है दोस्तों? आपके करियर में अचानक ही प्रोग्रेस हो जाना या फिर अचानक ही बड़ी सफलता मिल जाना और इसी के साथ अचानक धन लाभ भी मिल जाना। जी हाँ, अब डिपेंड करता है कि अगर जैसे कि आपको बता रहे थे बिजनेस की फील्ड में हैं तो आपको जल्द ही मिलेगा ये अचानक धन लाभ का मौका, बट अगर आप जॉब की फील्ड में हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, हो सकता है 30 से 35 साल की उम्र तक भी ये योग चला जाए, बट आपको अचानक धन लाभ अवश्य होगा अगर आपके हाथ में फिश साइन की आकृति है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पर ये फिश का साइन है ये होता है केतु का पर्वत और इसके नीचे बनती हैं आपकी रिस्ट लाइंस, जिसे मणिबंध रेखाएं भी कह देते हैं। अब इनके पीछे का क्या रहस्य है? देखिए दोस्तों, एक से ज़्यादा जब भी मणिबंध रेखाएं हों और वो भी दोष मुक्त, मतलब बीच में से टूटी हुई ना हो, कहने का भाव ये है कि इस प्रकार हो सकता है कि बीच में से टूट रही हो, पर ऐसा ना हो जैसे कि इस हाथ में है और इस हाथ में तो तीन तीन हैं और इस प्रकार से बनी हुई तीन या एक से ज़्यादा मणिबंध रेखाएं आपके जीवन में मनोबल और सहनशीलता को दिखाती हैं और किसी भी करियर में आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए सहनशीलता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मनोबल मजबूत नहीं होगा तो आप जल्द ही किसी भी कार्य को, अगर आपको असफलता मिल रही है तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तो तीसरी बार में आपका मन डाइवर्ट हो ही जाना है और आप उस काम को बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, जिस वजह से आपको फिर से शुरू करना पड़ता है और आपके जीवन में कामयाबी लेट मिलती है। तो कहने का भाव ये है दोस्तों, जिनके हाथ में इस प्रकार से मणिबंध रेखाएं होती हैं तो ये एक अच्छा संकेत है दोस्तों कि आपके अंदर एक सहन शक्ति है और आपके जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, आप उन मुश्किलों से कैसे निकलना है भली भांति जानती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, या फिर ये कह लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है फ्यूचर में। अब देखिए, इनका जो शुक्र का पर्वत है, जी हाँ, यहाँ पर हम फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आपका शुक्र का पर्वत देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में अगर सीधा हाथ करेंगे तो वर्टिकल लाइंस नज़र आती है, मतलब ऊपर की ओर जाती हुई लाइंस हमें ज़्यादा नज़र आ रही हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के मुकाबले जो लेटी हुई होती हैं। अब इस हाथ में जो खड़ी रेखाएं हैं ये क्या संकेत देती हैं दोस्तों? ये संकेत देती हैं कि आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। हाँ, करियर के शुरुआती समय में थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं, बट जैसे कि आपको पहले की रेखाओं के बारे में बताया और उनके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो जल्द ही आपके जीवन में पैसे का आगमन होगा। कहने का भाव ये है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बाद, घर वालों के खर्चे निकालने के बाद, किसी की अगर आपको हेल्प करनी है तो वहाँ पर भी देन उसके बाद भी आपके पास बचत रह जाती है और यही खासियत है इन वर्टिकल लाइंस की जो आपके शुक्र पर्वत पर बनते हैं। बट अगर यही रेखाएं आपके हाथ में हॉरिजॉन्टल हो, मतलब लेटी हुई रेखाएँ हों, हो सकता है आपके हाथ में इस प्रकार से हो या आपके किसी करीबी के हाथ में, तो बताना चाहेंगे दोस्तों इनके जीवन में आर्थिक स्थिति लंबे समय के लिए तंग रह सकती है। डिपेंड करता है आपके करियर पे, आप किस करियर में हैं, किस फील्ड में हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि आपका करियर कैसा रहने वाला है और किस उम्र में आपको मौका संभालना चाहिए और इसी के साथ धन लाभ कब होगा। अब जान लेते हैं आपकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए दोस्तों, उसको जानने के लिए आपको अपनी हार्ट लाइन देखनी होती है और हार्ट लाइन हो सकता है इस हाथ में तो जैसे ये गुरु पर्वत तक जा ही नहीं रही जो बनता है आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे, बट हो सकता है आपके हाथ में ये रेखा गुरु पर्वत तक जा रही हो। तो इस प्रकार से अगर हार्ट लाइन आपके हाथ में गुरु पर्वत पे जा रही है या फिर ये कह लीजिए कि बृहस्पति पर्वत पे जा रही है तो ये आपके लव मैरिज को दर्शाती है। आप जिसे चाहते हैं, जिसे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं तो उससे यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि शादी होगी। बट जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी योग नज़र नहीं आता। लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं और इस प्रकार से हार्ट लाइन आपके गुरु पर्वत तक नहीं जा रही है या फिर सीधी जा रही है तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप अरेंज मैरिज की ओर कदम बढ़ाइए और अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपका एक सुखी संसार होगा। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, इस हाथ में तीन तीन खास निशान बन रहे हैं, क्रॉस का साइन, मनी ट्रायंगल और फिश साइन, और इस प्रकार से तीन एक साथ निशान बनना एक हाथ में ये बहुत भाग्यशाली माना जाता है दोस्तों। पर हो सकता है आपके हाथ में तीनों ना हो, इनमें से कोई एक हो,
तो इनमें से कोई भी एक है और जो भी बातें बताई इस वीडियो में मैच कर रही हैं आपकी लाइफ से, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ पर सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है, खास जानकारी दी है आपके जीवन से रिलेटेड, पर अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्यूचर में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।